हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे पार्ट टू का चैप्टर नंबर वन एंड इज दैट प्रोबेबिलिटी। आज का जो हम लोग पोर्शन देखने वाले हैं वो पूरे चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, बिकॉज क्योंकि जितने भी आगे के सम्स हम लोग देखने वाले हैं वो सारे ये फार्मूलाज के ऊपर ही डिपेंड्स रहने वाले हैं। क्लियर? इट मीन्स कि हम लोगों ने टू पार्टीशन में डिवाइड कर दिया है कि टू इवेंट्स के लिए और थ्री इवेंट्स के लिए और उसके नेम। इट मीन्स कि हम लोगों ने डिफरेंस जैसा एक प्रिपेरेशन कर लिया एक टेबल का, तो आपको याद रखने में भी ईजी हो जाएगा, प्लस आप इजीली कंपेयर भी कर पाओगे। क्लियर? तो फर्स्ट वन देखते हैं, यूनियन। अगर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ अ यूनियन, इट मीन्स उसको कहा जाता है लॉ ऑफ एडिशन। क्लियर? अब वो क्या होगा फॉर द टू इवेंट, इट मीन्स प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है प्लस टू इवेंट का, और टू इवेंट हम लोग हर जगह पे सपोज कर रहे हैं ए एंड बी। क्लियर? इट मीन्स कि यूनियन है, लॉ ऑफ एडिशन है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी। क्लियर? ये होगा हमारा फॉर दी टू इवेंट, सेम इज इट इज फॉर दी थ्री इवेंट्स। थ्री इवेंट के लिए हमारा फॉर्मूला कौन सा वाला होगा, तो कि पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि थ्री इवेंट्स है तो हम लोगों ने सी तक कंटिन्यू किया। क्लियर? अब देखो यहाँ पे जैसे पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी किया था, तो यहाँ पे भी क्या करना है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ टू इवेंट थे, इसीलिए हमारे पास सिर्फ ए के इंटरसेक्शन का कॉम्बिनेशन हो सकता था। यहाँ पे माइनस करना है हमें पी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी, पी ऑफ बी इंटरसेक्ट सी, और पी ऑफ ए इंटरसेक्ट सी को माइनस करना है और प्लस करना है पी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्ट सी। क्लियर? इट मीन्स कि तीनों का जो कॉमन एरिया है उसको प्लस करना है, और दो दो इवेंट का जो कॉमन एरिया है उसको क्या करना है, माइनस करना है। क्लियर गाइस? आपको सबसे ज़्यादा ये दोनों फार्मूला ही रिमेंबर करनी है, इट मीन्स कि लॉ ऑफ एडिशन की। बाकी की जो फार्मूला है बहुत सारी, वो उसके ऊपर ज़्यादातर डिपेंडेंट है। क्लियर? इट मीन्स कि थ्री इवेंट के लिए हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी पी ऑफ बी इंटरसेक्ट सी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्ट सी एंड प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे तीनों का इंटरसेक्शन प्लस करना है। ज़्यादातर स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि हम लोग ये दो दो इंटरसेक्शन माइनस करते जाते हैं ना, तो ये तीनों वाला इंटरसेक्शन भी बहुत सारे स्टूडेंट उसको भी माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको खास ध्यान रखना है कि पी ऑफ ए बी और सी तीनों का जो इंटरसेक्शन है उसको हमें क्या करना है, प्लस करना है। क्लियर? अब सेकेंड वन हम लोग देखते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब गाइज उसका डेफिनेशन रिमेंबर करो, जब भी हम लोगों ने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट देखा था। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होगा गाइज, कि ए एंड बी नेवर हैपन विद टुगेदर। क्लियर? वो दोनों कभी भी साथ में नहीं हैपन होंगे। अगर साथ में हैपन होते हैं उसका मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, अगर दोनों कंपलसरी हैपन होते हैं तो। क्लियर? इट मीन्स कि यहाँ पे हमें इंटरसेक्शन कैसा मिलता है, फाइव। एक्सक्लूसिव इवेंट में हम लोग एक्सक्लूसिव कब कह सकते हैं, जब भी हमें ए इंटरसेक्ट बी कैसा मिलता है, फाइव। इट मीन्स कि उसका वैल्यू क्या होगा, नल। क्लियर? तो सेम एज इट इज, हमें यही फॉर्मूला कवर करना है, पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी। हम लोगों ने निकाल लिया, क्यों, क्योंकि ए और बी का जो इंटरसेक्शन होगा वो तो कैसा हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। क्लियर? सेम एज इट इज फॉर द थ्री इवेंट्स, क्या हो जाएगा, तो कि पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी सिर्फ क्या होगा, पी ऑफ ए बी एंड सी तीनों का प्लस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप ये फॉर्मूला में देख सकते हो, पीछे के चारों इंटरसेक्शन है उन सबका वैल्यू तो कैसा हो जाने वाला है, जीरो। क्यों? बिकॉज ऑफ एक्सक्लूसिव इवेंट। क्लियर? क्योंकि एक्सक्लूसिव में क्या होगा कि दो या तीन इवेंट है वो कभी भी साथ में हैपन नहीं होती है। क्लियर? इट मीन्स कि ये फॉर्मूला में भी हमें क्या करना है, यहाँ से सारे इंटरसेक्शन निकाल लेने हैं। सेम इज इट इज फॉर दिस फॉर्मूला, कि यहाँ से भी इंटरसेक्शन निकाल लो तो आपको किसका मिल जाएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्लियर? थर्ड वन इज दैट म्यूचुअली एग्जिस्टिव इवेंट। अब एग्जिस्टिव इवेंट का गाइस डेफिनेशन याद करो तो वो क्या था, कि अगर ए और बी का यूनियन इज इक्वल टू वन होता है तो वो क्या हो जाएगा, म्यूचुअली एग्जिस्टिव इवेंट। क्लियर? इट मीन्स कि यहाँ पे आप देखो कि पी ऑफ ए यूनियन बी, सेम टू सेम फार्मूला हमें यहाँ पे से ले लेना है एक्सक्लूसिव में से, सिर्फ इज इक्वल टू हमें क्या लगा देना है, वन लगा देना है। क्लियर? सेम इज इट इज फॉर द थ्री इवेंट, पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, यहाँ पे भी सेम इज इट इज, यही फार्मूला कैरी फॉरवर्ड करना है, इज इक्वल टू टोटल सबका कितना होगा, वन। इट मीन्स कि आप ये तीनों के तीनों फार्मूला देख सकते हो फॉर द टू इवेंट एंड फॉर द थ्री इवेंट्स, कि तीनों इसी फॉर्मूला से बन जाएगी। यहाँ पे क्या करना है, ये एक एक फॉर्मूला आपको रिमेंबर करनी पड़ेगी। यहाँ से इंटरसेक्शन निकाल लोगे, यहाँ से इज इक्वल टू करके प्लस सबका कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। सेम इज इट इज फॉर द थ्री इवेंट। क्लियर? नेक्स्ट वन हमारा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब गाइज होता है डिपेंडेंट इवेंट।
इट मीन्स कि अगर कोई दो इवेंट हैपन हो रही है, कोई एकाध इवेंट एक इवेंट के ऊपर डिपेंडेंस है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इट मीन्स कि फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है तो हमारा कंडीशन क्या होगा कि भाई पहले ग्राउंड फ्लोर कंस्ट्रक्ट होगा, फिर देन आफ्टर फर्स्ट फ्लोर हो पाएगा। क्लियर? इट मीन्स कि फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर के ऊपर क्या है, डिपेंडेंस है। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्लियर? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम लोग डिपेंडेंट इवेंट से भी जानते हैं। इट मीन्स कि आपको क्वेश्चन में अगर ऐसा कुछ दिया है तो हम लोग उसके ऊपर से एक्सपांड कर सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट है या तो फिर डिपेंडेंट है। क्लियर? अगर डिपेंडेंट है तो हमें ये वाला फार्मूला यूज करना है। तो फर्स्ट वन है बी बाई ए। इसका मतलब गाइस क्या होगा कि जो ऊपर वाला होता है वो नीचे, यानी कि जो बेस है उसके ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि बी ए के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने जो कंस्ट्रक्शन वाला एग्जाम्पल लिया उसमें ग्राउंड फ्लोर हमारा क्या हो जाएगा ए और फर्स्ट फ्लोर हमारा क्या हो जाएगा बी। क्लियर? इट मीन्स कि जो डिपेंडेंट होगा ना वो न्यूमरेटर में जाएगा, जो इंडिपेंडेंट फैक्टर होगा ना वो डिनोमिनेटर में जाएगा। क्लियर? इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो कि पी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी डिवाइडेड बाई पी ऑफ ए। यहाँ पे फार्मूला याद रखने के लिए हमारे पास ट्रिक ये है कि यहाँ पे जो नीचे आता है ना डिनोमिनेटर में वो यहाँ पे भी नीचे आएगा। इट मीन्स कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। क्लियर? और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि पी ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में जब भी हम लोग जीरो रखते हैं तो उसका वैल्यू कैसा हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। क्लियर? सेम इज इट इज, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ए बी के ऊपर भी तो डिपेंड हो सकता है। क्लियर? यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वाला एग्जाम्पल काम नहीं करेगा, यहाँ पे कोई और एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा कि पी ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी, इट मीन्स क्या हुआ कि जो हमारा ए है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, बी के ऊपर डिपेंडेंट है। क्लियर? सेम इज इट इज, न्यूमरेटर दोनों में सेम ही रहेगा, सिर्फ डिनोमिनेटर में चेंज होगा, जो इंडिपेंडेंट फैक्टर होगा वही डिनोमिनेटर में जाएगा। क्लियर? यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे ए था तो यहाँ पे भी ए, यहाँ पे बी है तो नीचे भी क्या है, बी है। इट मीन्स कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि पी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी डिवाइडेड बाई पी ऑफ बी। सेम इज इट इज, यहाँ पे भी बी जीरो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है। क्लियर? फिर हमारा जो है वो है लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन के लॉ में गाइज हमारे पास टू ऑप्शन होंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट भी हो सकता है, डिपेंडेंट इवेंट भी हो सकता है। क्लियर? तो फर्स्ट वन देखते हैं, मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है गाइज कंपल्सरी एंड एंड इंटरसेक्शन। क्लियर? यूनियन का मतलब होता है प्लस और मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है मल्टीप्लाई एंड इंटरसेक्शन। क्लियर गाइस? तो यहाँ पे क्या होगा कि पी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी इज इक्वल टू होगा पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी बाई ए। ये फॉर्मूला किसके लिए है गाइस, डिपेंडेंट इवेंट के लिए। इट मीन्स कि अगर इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे हो डिपेंडेंट इवेंट के लिए तो क्लियर, पी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी आप ये फॉर्मूला के थ्रू भी फाइंड कर सकते हो, या तो फिर अपोजिट पी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी आप पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ ए बाई बी से भी फाइन कर सकते हो। अब हमें क्वेश्चन ये होता है कि ये फॉर्मूला अगेन वापस कैसे रिमेंबर करेंगे, तो गाइज आप ये फॉर्मूला तो इजीली रिमेंबर कर सकते हो कि बी बाई ए है या फिर ए बाई बी है। ऊपर तो क्या आने वाला है न्यूमरेटर में, ए इंटरसेक्ट बी, ए इंटरसेक्ट बी। नीचे क्या होगा, यहाँ पे जो नीचे होगा ना वही यहाँ पे नीचे होगा। क्लियर? देखो ए ए बी बी। क्लियर? इट मीन्स यही फॉर्मूला को ध्यान दो, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, मल्टीप्लीकेशन इंटरसेक्शन चाहिए। इट मीन्स कि ये वैल्यू चाहिए ना डिपेंडेंट फैक्टर्स के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, ये फैक्टर्स को यहाँ पे ही रहने देंगे इंटरसेक्शन वाले को, पी ऑफ ए जो है ना उसको सामने भेज देंगे। तो यहाँ पे देखो पी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी को हम लोगों ने अलग किया, तो पी ऑफ ए को इसके साथ भेज दिया, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर में है तो सामने जाएगा। तो यहाँ पे देखो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी बाई ए, सेम इज इट इज फॉर दिस फॉर्मूला। क्या हो जाएगा, पी ऑफ बी इक्वल टू के सामने के साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला देखो पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ ए बाई बी। गाइज ये खास रिमेंबर करना है कि ये दोनों के दोनों जो फॉर्मूला है वो किसके लिए है, डिपेंडेंट इवेंट के लिए है। क्लियर? यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा था कि कंडीशनल का मतलब क्या होता है, डिपेंडेंट। इट मीन्स कि अगर आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछा जाता है तो भी हम लोग ये फॉर्मूला के थ्रू जा सकते हैं। अगर आपको मल्टीप्लीकेशन का लॉ अप्लाई करना है फॉर द डिपेंडेंट इवेंट, तो हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, ये जो ए है ना उसको यहाँ पे भेज देंगे, ए और बी को, आपको इंटरसेक्शन मिल जाएगा। क्लियर? अगर हमारा इवेंट इंडिपेंडेंट है, इट मीन्स कि अगर हमारे पास ऐसी टू इवेंट्स अवेलेबल है जिसका एक दूसरे के साथ कोई लेना देना ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एग्जाम में पेपर लिख रहे हैं या फिर एग्जाम दे रहे हैं,
तो आगे के स्टूडेंट को कितना आता है कितना नहीं आता है वो लास्ट बेंच वाला जो स्टूडेंट होगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? इट मीन्स कि उसके दिमाग में क्या है और हमारे दिमाग में क्या है वो टोटली कैसी थिंग्स है, इंडिपेंडेंट थिंग्स है। क्लियर? इट मीन्स कि अगर हमारे पास ऐसी टू इवेंट्स अवेलेबल है जिसका एक दूसरे के साथ कोई लेना देना नहीं है, इट मीन्स कि वो इंडिपेंडेंट है। तो इंटरसेक्शन, इट मीन्स कि मल्टीप्लीकेशन वाला लॉ कैसे अप्लाई होगा, तो कि ए इंटरसेक्ट बी है तो डायरेक्टली इंटरसेक्शन का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन। क्लियर? इट मीन्स कि ये क्या हो जाएगा कि पी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी है तो ए इंटू बी हो जाएगा। अगर ए डैश इंटरसेक्ट बी है तो क्या हो जाएगा, ए डैश इंटू बी हो जाएगा। अगर ए डैश इंटरसेक्ट बी डैश है तो क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए डैश इंटू पी ऑफ बी डैश हो जाएगा। और अगर पी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी डैश है तो क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी डैश। इन शॉर्ट हमें सिर्फ इतना ही रिमेंबर करना है कि अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इंटरसेक्शन का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। क्लियर? फिर चाहे कोई भी इवेंट हो, क्लियर, कॉम्प्लीमेंट्री हो, इंडिपेंडेंट हो, कोई भी हो। एक ये कॉमन इन्फॉर्मेशन है जो आप अगर इसको याद रखोगे तो आपको एग्जाम्पल में सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो फर्स्ट वन है यूनियन और इंटरसेक्शन, इन दोनों का कंपैरिजन हम लोगों ने किया हुआ है। यूनियन का साइन है ये, इंटरसेक्शन का साइन है। यूनियन का मतलब होता है गाइस प्लस, इंटरसेक्शन का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। क्लियर? यूनियन का मतलब होता है और, इट मीन्स ए है तो भी चलेगा, बी है तो भी चलेगा, और ए एंड बी दोनों है तो भी चलेगा। इट मीन्स कि एटलीस्ट वन हैपन होना चाहिए। इट मीन्स कि आपको ये याद रखना है कि क्वेश्चन में कहीं पे भी एटलीस्ट वर्ड मिला जाता है आपको तो आपको क्या फाइंड करना है, यूनियन। क्लियर? फिर नेक्स्ट वन है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन का मतलब ये इसका साइन है, अगर मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, एंड का मतलब होता है कंपल्सरी। इट मीन्स कि अगर आप इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे हो तो वही इवेंट्स हैपन होंगी जो ए एंड बी दोनों एक साथ हैपन होती है वही। इट मीन्स कि हम लोग लेते हैं ना कि अगर ए इंटरसेक्ट बी फाइंड करते तो कॉमन कॉमन एलिमेंट्स चूज करते थे इंटरसेक्शन के लिए। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपको कंपल्सरी ऐसा पूछा है तो आपको इंटरसेक्शन फाइंड करना है। अगर आपको एटलीस्ट ऐसा कोई कंडीशन दिया है या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है तो आपको क्या फाइंड करना है, यूनियन फाइंड करना है। क्लियर? इंटरसेक्शन मतलब एंड, यूनियन मतलब और। क्लियर? इट मीन्स कि अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया कि कंपल्सरी ये दोनों हैपन होने चाहिए तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, इंटरसेक्शन। या तो फिर ऐसा दिया कि एटलीस्ट वन को हैपन होगा तो भी चलेगा तो हम क्या फाइंड करेंगे, यूनियन फाइंड करेंगे। क्लियर गाइस? तो ये हो गए हमारे सारे के सारे प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला जो आगे के जो हम लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। क्लियर गाइस?